हेलो एवरीवन पूनम जुरी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग बनाएंगे सबसे फेमस कॉम्बो चाउमीन और मंचूरियन का आई थिंक इसको चाउमीन बोलते हैं मैं इसको चाउमीन कहती हूँ शायद uh, चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ना हम लोग मंचूरियन बॉल्स बनाएंगे हाँ तो यहाँ पर ना मैंने सब्जियों में लिया है कैबेज जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है एकदम अच्छे से और यार देखो ग्रेट करने से ना एकदम सही रिजल्ट मिलता है तो आप इसको कट करने की जगह पत्ता पत्ता ग्रेट कर लेना मैंने पहले से ग्रेट करके रखा हुआ था तो फिर मैंने इसको ऐड कर दिया इसके बाद मैंने यहाँ पर गाजर भी डाला है इसमें ग्रेट कर कर आप जो तो ना कोई भी सब्ज़ी अपने मनपसंद अनुसार ग्रेट करके इसमें ऐड कर सकते हो जैसे कि कैप्सिकम प्याज़ वगैरह ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी देखो यहाँ पर दो प्रोसीजर होता है मंचूरियन बनाने का एक तो जो मैं अभी आपको शो करूँगी या फिर जो बताऊँगी और दूसरा मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में तो यहाँ पर ना फिलहाल के लिए मैंने डाल दिया है इसमें बारीक कटा हुआ जिंजर गार्लिक ब्लैक पेपर पाउडर इसके बाद नमक डाला है हरी मिर्च डाला है बारीक कटा हुआ इसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसके बाद डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लार और अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे अभी देखो जो सेकेंड प्रोसीड्योर होता है उसमें क्या होता है कि जो सब्ज़ियाँ हैं ना उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और उसके बाद सब्जियाँ जो है ना अपना पानी रिलीज़ कर देती है उसके बाद सब्ज़ियों में से पानी को निचोड़ लिया जाता है और फिर उससे बॉल्स बनाया जाता है तो आप वो प्रोसीड्योर भी यूज़ कर सकते हो लाइक मैंने यहाँ पर उतना बड़ा प्रोसीड्योर इस पर यूज़ नहीं किया है तो यार जो मैंने जो प्रोसीडियोर यूज़ किया है उसमें मैंने अपना आलस शो किया है अपना थोड़ा सा टाइम सेव किया है कह लो तो यहाँ पर ना बस सब चीज़ों को मिक्स किया इसके बाद ना इसका इस तरह से बॉल्स बना लिया है और हमारा यहाँ पर जो बॉल्स है बिल्कुल रेडी हो गया जस्ट मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया वो पानी निचोड़ने वाले पार्ट को बाकी आपको फ्राई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर ना मैंने इस तरह से हाथों से अपने मंचूरियन बॉल्स का इसको शेप दे दिया है और बस हमारे यहाँ पर बॉल्स जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है तो अब क्या करना है यहाँ पर देखो पंद्रह से अठारह बॉल्स ना मैंने लगभग बनाया है टोटल में और अब मैं इसको दस से पंद्रह मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी तब तक अपने बाकी के प्रोसी और को देखेंगे तो यहाँ पर ना मैंने लिया है ये हक्का नूडल्स और ये जो नूडल्स है ना ये मैंने चाइनीज़ दुकान से ख़रीदा है लाइक मैं कोलकाता में रहती हूँ तो वहाँ पर ना ये जो दुकान है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये ना मैंने वेजिटेरियन चाउमीन को ख़रीदा है और यहाँ पर ना आपको टोटल छः चाउमीन मिलते हैं मैंने एक यूज़ कर लिया है लाइक एक पैकेट में छः चाउमीन रहते हैं इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स टाइप के बनाकर और यही चाउमी आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये नॉन स्टिकी रहते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है तो मैंने ना यहाँ पर एक पतीले में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसके बाद जब पानी में अच्छा सा उबाल लाइक आने वाला हो तो हम लोग ये चाउमीन जो है ना ये हम लोग इसमें पानी में ऐड कर देंगे इससे पहले ना लेकिन आप थोड़ा सा इसमें नमक डाल देना आप चाहो तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हो पानी में बट मेरा जो चाउमीन है ना मैं इसको बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे तेल डालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है और कोई प्रॉब्लम नहीं था यार मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट लाइक लिटरली मुझे ये चाउमीन बहुत पसंद है यार देखो टाइम को सेव करते हुए एक साइड पे मैंने चाउमीन को बॉईल होने के लिए रख दिया दूसरे साइड पे हम मंचूरियन बॉल्स को हम लोग ऑयल में फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर ना हमारा टाइम सेव हो जाएगा लाइक मैं ना जितना टाइम सेव कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश करती हूँ बिकॉज आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट और ना मुझे सिर्फ सैटरडे और संडे मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए बाकी पाँच दिन मेरा एडिटिंग में चला जाता है और भी बहुत सारे काम रहते हैं कॉलेज में तो वो सारे करने पड़ते हैं तो यहाँ पर ना जस्ट लाइक दो दिन है तो लाइक मेरे पास तीन से चार घंटा रहता है सैटरडे वाले दिन में तो जितना जल्दी हो सके जितना टाइम सेव कर सको उतना ज़्यादा टाइम सेव करके मैं लाइक वीडियोस बना लेती हूँ तो यहाँ पर ना देखो हमारा मंचूरियन बॉल्स को मैंने पहले तो एकदम गर्मा गर्म ऑयल -गर्म में डाला था और उसके बाद ना मैंने मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छे से कुक किया है अभी देखो मैं आपको इसका एक ट्रिक बताती हूँ लाइक अगर आप बॉल्स बनाते समय ना बहुत एक्सेसिव क्वान्टिटी में कॉर्नफ्लार ऐड कर दोगे ठीक है तो क्या होगा ना कि जो बॉल्स है वो बहुत ही टाइट बनेंगे और लाइक वो सॉफ्ट नहीं होंगे ठीक है ये बात का आप ध्यान रखना अभी देखो जब तक कि हमारा बॉल्स एक बैच फ्राई हुआ ना दूसरा बैच मैंने डाला है फ्राई होने के लिए तब तक हमारे यहाँ पर चाउमीन भी बॉयल हो गया है बिल्कुल तो यहाँ पर अब क्या करेंगे इसको हम लोग पानी को निकाल लेंगे लाइक चाउमीन को अलग कर लेंगे पानी को स्ट्रेन आउट कर देंगे और इसके बाद हमारा ये जो सेकेंड बैच है मंचूरियन बॉल्स का ये भी बिल्कुल रेडी है और कितना क्रिस्पी दिख रहा है ना आप मैं पर देख सकते हो लाइक like, मैंने सब चीज़ों को अच्छे से निकाल लिया है और यहाँ पर हमारा जो मंचूरियन बॉल्स है वो बिल्कुल रेडी है बहुत टेस्ट ही टेस्टी दिख रहा है यार मैं आपको एक बार इसको तोड़ के दिखाती हूँ ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा है ना चलो अभी इसको साइड में रखो इसके बाद ना हम लोग अब अपना चाउमिन बनाने का प्रोसीड भी रेडी कर लेते हैं तो यहाँ पर ना ऑयल में मैंने डाला है थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर चॉप्ड काट और एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेना ताकि इसका कच्चा टेस्ट निकल जाए अच्छा एक साइड में ना मैंने यहाँ पर देखो चॉबिन को स्ट्रेट सॉरी स्ट्रेन करके भी रख दिया है पानी को स्ट्रेन आउट कर दिया था ठीक है वो प्रोसीडर मैं आपको नहीं दिखा पाई इसके बाद ना यहाँ पर आप कढ़ाई में थोड़ा सा डाल देना प्याज और लम्बे लम्बे मैंने काट दिया था इसके बाद इसमें मैंने डाला है कैबेज और अपने फ्लेम को ना हाई रखना हाई फ्लेम पर ये हम लोग सब्जी को सॉटे करेंगे इसके बाद थोड़ा सा कैरेट्स डाला है इसके बाद मैंने डाला कैप्सिकम और इसको ना अच्छे से सॉटे करना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं करना है जब हल्का सा पानी रिलीज होने लगे तभी तक करेंगे हाई फ्लेम पर करेंगे क्योंकि यार यही ट्रिक होता है स्ट्रीट फूड वाले चाउमिन का तो यहाँ पर ना मैंने एकदम अच्छे से इसको लाइक तीन से चार मिनट तक शायद मैंने इसको कुक किया था ज़्यादा कुक नहीं करना है सब्जियों में क्रंच बना रहना चाहिए हमारा सो आई थिंक दिस इज़ द ट्रिक ऑफ स्ट्रीट फूड्स सो मैंने भी यही किया है थोड़ा सा ना मैंने सब्जी को निकाल कर साइड में रख लिया है क्योंकि ना मैं आधा ही जॉमिन बनाने वाली हूँ आधा मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी, ठीक है तो लाइक मुझे सुबह में टिफिन लेके जाना होता है ये जो वीडियो है ना मैं ये संडे को शूट कर रही हूँ मैं मंडे को सुबह में लाइक कॉलेज के लिए जब लेके जाऊंगी टिफ़िन तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रख लिया है थोड़ा सा सब्ज़ी और उसको मैं फ्राई कर लूँगी सुबह में और फिर लेके चली जाती हूँ ऐसा ही मैं करती हूँ जनरली ठीक है तो यहाँ पर चाउमिन डाल दिया मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया सब्जियों के साथ इसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चाउमिन मसाला लिया है वो मैंने ऐड किया इसके बाद विनेगर डाल दिया है थोड़ा सा इसके बाद इसमें डाला है मैंने सोया सॉस अच्छी क्वान्टिटी में ताकि बहुत अच्छा कलर आ जाए लाइक स्ट्रीट स्टाइल चाउमिन जो होता है उसमें बहुत अच्छा कलर रहता है सोया सॉस का सो मैंने वही किया है इसके बाद एकदम अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद यार इसको दो मिनट तक तुम लोग और कुक कर लेना और बस हमारे यहाँ पे चाउमीन जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा सो बस यहाँ पर ना मैं आपको दिखाती हूँ यार कितना मस्त हमारा चाउमीन है देखो कलर कितना अच्छा है सब्जियों का आप कलर देख रहे हो ना मस्त दिख रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है ये लो चाउमीन भी आप देख लो मस्त है ना बिल्कुल चिपका भी नहीं है एकदम खिला खिला है लास्ट प्रोसीड्योर में हम लोग चलेंगे और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे मंचूरियन ग्रेवी तो यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई में डाल दिया है बारीक कटा हुआ जिंजर गार्लिक डाला है इसके बाद इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए तब तक मैंने इसको कुक किया जस्ट टेन टू ट्वेंटी सेकेंड्स इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ मैंने प्याज डाल दिया है और इसके बाद इसको भी थोड़ा सा कुक कर लेना ज़्यादा नहीं ये भी दस से पंद्रह सेकेंड इसके बाद बारीक कटा हुआ इसमें मिर्ची डाला है लंबे लंबे यहाँ पर स्क्वायर पीसेज में कटे हुए मैंने डाले हैं कैप्सिकम और स्क्वायर पीसेज में ही कटा हुआ है यहाँ पे प्याज भी थोड़ा ऐड किया है जिससे देखने में बहुत अच्छा लगेगा मंचूरियन ग्रेवी हमारा इसके बाद ना जब तक ये थोड़ा सा कुक हो जाए इस बीच में हम लोग क्या करेंगे कॉर्नफ्लायर लेंगे डेढ़ चम्मच जितना इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ठीक है अब ना इसको मिक्स करके जो कॉनफ्लर वाला जो स्लरी है ना इसको साइड में रखना इसको बाद में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ना देखो एक मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर लाइक सब्जियों को फ्राई किया है जिससे कि सब्जियों में थोड़ा सा क्रंच आ जाएगा ठीक है लेकिन ये हमारा हो गया है इसके बाद हम लोग इसमें सॉसेस डालेंगे तो यहाँ पर ना मैंने सोया सॉस पहले डाल दिया है डार्क सोया सॉस का यूज़ करना है और कलर अच्छा आएगा थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस मैंने तो यहाँ पर डाला थोड़ा सा यहाँ पर टमाटो केचप भी डाल दिया है और बस अब अपना इसको मैंने थोड़ा सा विनेगर डालकर मिक्स कर लिया मिक्स करने के बाद ना यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी और जब पानी में थोड़ा सा उबाल आने लगेगा तो फिर हम लोग इसमें अपना कॉर्नफ्लावर वाला स्लरी भी ऐड कर देंगे ठीक है अब आप यहाँ पर चाहो तो ड्राई वाला भी बना सकते हो आप लाइक मंचूरियन लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेवी वाला बना रही हूँ यहाँ पर पानी डालने के बाद मैंने डाला है नमक थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स कर लिया इसमें उबाल आने लगा तो कॉर्नफ्लर वाला स्लरी डाल देंगे मिक्स करने के बाद और फिर इसको बस और दो मिनट कुक करेंगे इतना कुक करना है जितना लाइक आपको जो कंसिस्टेंसी पसंद है ग्रेवी की उस हिसाब से आप बस कुक कर लेना लाइक अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है ना तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना है यार मेरे घर के बगल में लाइक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो अभी ना थोड़े दिनों तक लाइक ऐसा होता है कि ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉइज़ आता है लेकिन मेरे पास ऑल टाइम नहीं होता है वॉइस ओवर करने के लिए इसलिए मुझे लाइक करना पड़ता है वॉइस ओवर ठीक है तो यहाँ पर ना हमारा देखो ग्रेवी भी, भी बिल्कुल बन गया है मैं ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखूँगी लाइक नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखूँगी बहुत फ्लोई भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा ठीक है इसके बाद में मैंने लास्ट में इसमें डाल दिया है अपना मंचूरियन बॉल्स और फिर इसको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे सारे बॉल्स को मैंने नहीं डाला है आधे ही बॉल्स को डाला है इसके बाद ना लास्ट मैंने डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स कर लेंगे स्प्रिंग अनियन से तो वो भी ऐड करना ज़रूर से यहाँ पर हमारा कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा रहेगा और बस हमारा यहाँ पर ना जो ग्रेवी है वो एकदम अच्छे से बन चुका है मंचूरियन रेडी है चोमिन रेडी है तो बस यार अब सब कुछ डन हो गया तो चलो अब अपना सर्विंग भी कर लेते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने कैसिलम को बंद कर देना आप चलो अब फिर सर्विंग करते हैं तो यहाँ पर तो मैंने एक प्लेट ले लिया है और जो ये चौमिन है ना ये मैंने डाल दिया है बहुत अच्छा गर्म है अभी ये चाउमिन मैंने इसको वापस से थोड़ा सा गर्म कर लिया था एट लास्ट हम लोग यहाँ पर डालेंगे अपना मंचूरियन ग्रेवी और इसके साथ अपने बॉल्स को भी सर्व कर देंगे आपको वीडियो पसंद आया क्या तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना चलो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग